हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। पाव भाजी एक ऐसी डिश है जो हम सबको बहुत पसंद आती है और हम चटकारे मारकर खाते भी हैं, लेकिन जब घर में बनाते हैं तो बाज़ार वाला टेस्ट और कलर नहीं आ पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट स्टाइल पाव भाजी घर में कैसे बनाते हैं। और इसी के साथ हम बनाएंगे लहसुनी चटनी और लच्छा प्याज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द रेसिपी। सबसे पहले भाजी की प्रिपरेशन करेंगे, तो इसके लिए मैंने कुकर में 100 ग्राम मटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई, 2 टमाटर मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ, और इसके साथ ही डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट कर डालेंगे। 7 से 8 लहसुन की कलियां डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती बारीक काट कर डालेंगे, और 1 इंच अदरक वो भी बारीक काट कर डाल देंगे, नमक हसबे जायका, आधी कटोरी पानी डालकर कुकर के लिड को लगा देंगे, इसे गैस पर चढ़ा देंगे और हाई फ्लेम पर 3 विसल आने देंगे। उसके बाद गैस को मीडियम टू लो करते हुए 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। अब यहाँ पर लहसुनी चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मिक्सर का जार लिया है, इसमें डालेंगे 20 से 25 सोख की हुई खड़ी लाल मिर्च। इसे मैंने रात में सोख करने के लिए छोड़ दिया था, आप चाहें तो 1 घंटे पहले गर्म पानी में भी इसे सोख कर सकते हैं। 10 खड़ी लहसुन की कलियाँ लेंगे और 2 टीस्पून चॉप लहसुन की कलियाँ ले लेंगे। फिर 1/4 कप वो पानी डालेंगे जिसमें हमने लाल मिर्च को सोख किया था। ध्यान रहे इस पानी को फेंकना नहीं है। अब इसके लिड को लगाएंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब फटाफट से इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1/2 कप तेल। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें चटनी को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 2 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसे स्टर करते हुए 4 मिनट के लगभग हो चुका है, तो अब यहाँ पर गैस को मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम लेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला या लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हसबे जायका नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसे मीडियम फ्लेम पर करेंगे और इसे पका लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें चटनी की कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। फिर इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारी लहसुनी चटनी तैयार हो गई है। अब हम लच्छा प्याज तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने प्याज को पहले ही काट कर रख लिया था और ठंडे पानी में डिप कर दिया था ताकि इसकी झांस अच्छी तरह निकल जाए। अब इसके पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे और इसे सुखा लेंगे। ध्यान रहे प्याज को थोड़ा मोटा ही काटिएगा, ज़्यादा पतला नहीं काटना है, नहीं तो मिक्स करने के टाइम पर ये लच्छे टूट सकते हैं। अब इनके रिंग्स को हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे लच्छे तैयार हैं। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इस सैलेड का कलर बहुत अच्छा आता है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 पूरा लेमन का जूस निचोड़ देंगे, 1/4 बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। सारी चीज़ों को इसमें डालने के बाद इसे हल्के हाथों से टॉस करेंगे। ध्यान रहे इसके हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे, इसके लच्छे टूटने नहीं चाहिए। नमक यहाँ पर नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि नमक डालने से प्याज अपना पानी छोड़ देगा, इसलिए नमक हम सर्व करने के टाइम पर डालेंगे। तो अब ये लच्छा प्याज भी तैयार हो गया। अब इसे साइड में रखते हैं और सब्ज़ी को देख लेते हैं। सब्ज़ी भी अच्छी तरह गल चुकी है, तो इसे पहले मैश कर लेंगे। कुकर में ही हम इसे मैश करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, इसके हमने थोड़े थोड़े से चंक्स रहने देना है। जब ये मैश हो जाएगा तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे ये सारा बटर, क्योंकि भाजी में बटर जाता है भरकर, इसलिए एक बड़ा क्यूब लिया है। और इसे अब मेल्ट होने देंगे और साथ ही डाल देंगे 2 टीस्पून तेल, जो बटर को जलने नहीं देगा। अब बटर को अच्छी तरह मेल्ट हो जाने देते हैं और
फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और एक चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जब ज़ीरा सॉटे हो जाएगा तो इसमें डालेंगे एक और आधा चम्मच लहसुनी चटनी जो हमने अभी तैयार किया। इसे अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि यह बहुत स्पाइसी होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम बटर में फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे भी मिक्स करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इसे भी इसमें हम नरम होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम 1 और आधा चम्मच पाव भाजी का मसाला। 1 से 2 मिनट तक इसे भी हम साथ में भुनेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ी जिसे हमने गलाकर मैश करके रखा है। सब्ज़ी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जैसे सब्ज़ी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी इसका कलर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। कलर के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसे मिक्स करते रहेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1/4 कप लहसुन का पानी। जैसे लाल मिर्च को हमने सोख किया था वैसे ही लहसुन को भी सोख कर लिया था जिसे मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे डालने के बाद भी इसमें बॉयल आने देंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं हसबे ज़ायका इसमें और नमक ऐड कर ले रही हूँ। थोड़ी देर और हाई फ्लेम पर पकने देंगे और फिर इसमें 2 उबले हुए आलू मैश कर डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके जो बड़े चंक्स हैं उन्हें इस तरह से तोड़ लेंगे। अब एक बार और हम इसे मैश करेंगे। तो यहाँ पर गैस को मैं बंद कर दूँगी क्योंकि अगर चलते हुए गैस में आप इसे मैश करेंगे तो इसके छींटे पड़ने का डर है, इसलिए यहाँ पर पहले गैस को ऑफ़ करूँगी मैं, उसके बाद फिर इसे मैश करूँगी। इसे भी बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हमें थोड़े थोड़े से आलू के और सब्जियों के चंक्स को रहने देना है। इसे भाजी देखने में अच्छी लगती है। भाजी अच्छे से तैयार हो चुकी है तो अब हम पाव को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए तवा को रखेंगे गैस पर और उस पर डालेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर 1 टीस्पून इस पर बटर डाल देंगे। फिर बटर को भी मेल्ट हो जाने देंगे और इस पर डालेंगे 1/2 चम्मच लहसुनी चटनी। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच पाव भाजी का मसाला और 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं, हमें इन्हें पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है और इस तरह से इसे तवा पे फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम पाव को सेकेंगे। पाव के लिए मैं ज़्यादा बटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाजी में भी हमने भरकर बटर इस्तेमाल किया है, तो घर पर बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट का भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एक साइड से पहले पाव को सेक लेंगे और फिर इसे पलटकर दूसरे साइड से सेक लेंगे। दूसरे साइड मुझे पाव को ज़्यादा ही ड्राई लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और बटर लिया है और एक बार और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये हमारा पाव भी तैयार हो गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहला काम, लच्छा प्याज में हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि इसे बनाने के टाइम पर हमने इसमें नमक नहीं डाला था। 1/2 टीस्पून नमक ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और इसे 2-4 बार इस तरह से टॉस कर देंगे। तो ये अब लच्छा प्याज तैयार है, तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सर्विंग प्लेट ले लिया है। तो सबसे पहले इसमें भाजी निकालेंगे। ये देखिए भाजी का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाज़ार वाला कलर है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। साइड में थोड़ा सा लच्छा प्याज रख देंगे, इसे लेमन स्लाइस और हरी मिर्च से सजा देंगे। ये उनके लिए जिनको पाव भाजी में एक्स्ट्रा खटास और तीखापन चाहिए होता है। अब थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। खाना अगर देखने में अच्छा हो तो खाने का मज़ा भी दुगना हो जाता है। अब साइड में जो हमने अभी पाव तैयार किया है वो रख देंगे और ये हमारी पाव भाजी की प्लेट तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। आपकी रेसिपी कैसी बनी है मुझे अपना फ़ीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम और भी अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।